आज हम लोग देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और वेरियस ऑपरेशन जो हम लोग मैट्रिक्स में करते हैं वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स से। तो कभी भी दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब बोलते हैं, तो उसके लिए दो कंडीशंस का जरूर होना जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए सो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उन दोनों मैट्रिक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक मैट्रिक्स है 2x2 का और इधर भी एक मैट्रिक्स है 2x2 का, तो इनका जो अगर सबसे पहला काम क्या था मेरा कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अब अगर दोनों मैट्रिक्स का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी अगर सेम हो जाए, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 है A11 की जगह में, तो यहाँ पर B11 की जगह पे भी 1 है। यहाँ पर इसका वैल्यू 2 है तो इसका भी वैल्यू 2 है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दोनों मैट्रिक्स में वो क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। वहीं पे इस दोनों मैट्रिक्स में दोनों का ऑर्डर तो सेम है बट दोनों का जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स है सो सेम नहीं है। 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर नहीं है और 4 3 के बराबर नहीं है। तो अगर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स में सेम नहीं होते हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोलते हैं। तो एक्चुअली इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स का हम लोग का जरूरत पड़ता कहाँ पे है, जब भी कभी हम लोग को किसी भी मैट्रिक्स में कोई अननोन का वैल्यू फाइंड करने की बात आता हो उस समय हम लोग किसका यूज करते हैं, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स में। मतलब अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस में इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जो 2x2 का है और दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि 2x2 का है। अगर हम ए इज इक्वल टू बी बोलते हैं, इसका मतलब अगर दिस इज इक्वल टू दिस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स है वो भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब A11 जो है सो B11 के बराबर होगा, A12 जो है सो B12 के बराबर होगा, A21 जो है सो B21 के बराबर होगा और A22 जो है सो B22 के बराबर होगा। मतलब कि अगर दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल तब बोलेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम रहे और दोनों का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि एडिशन दो मैट्रिक्स का कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सब आगे हम लोग देखते हैं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए मेरे पास कंडीशंस क्या क्या है। तो दो मैट्रिक्स को हम ऐड तब कर सकते हैं जब दोनों का जो ऑर्डर है, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज एडेड विथ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। बोलने का मतलब है कि अगर ए इज इक्वल टू हम लेते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन और बी इज इक्वल टू अगर लेते हैं बी आई जे एम क्रॉस एन, तो हम लोग ए प्लस बी को कैसे दिखाएंगे, इसका और इसका समेशन ए आई जे प्लस बी आई जे और दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम क्रॉस एन, जितना भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई और जे होगा उतना का। ठीक है, तो उसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए जो है सो 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, उसको हम लोग इन जनरल हम लोग 2x2 का मैट्रिक्स को इसी तरह दिखाते हैं, A11, A12, A21 और A22, और B भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है। तो दोनों का जो सम अप होगा, मतलब दोनों का जो एडिशन होगा सो क्या होगा, तो इन दोनों का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मतलब यहाँ का A11 को हम किससे ऐड करेंगे, B11 से, A12 को B12 से, A21 को B21 से और A22 को B22 से ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जब हम मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे तो क्या क्या चीज का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर दो मैट्रिक्स मेरे पास ए और बी है तो ए प्लस बी को हम लोग बी प्लस ए बी बोल सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि 1+2 के जगह में 2+1 किया लिखा जा सके, वैसा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर दूसरा नंबर में आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं,
अगर दो मेरे पास तीन मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, ए बी और सी, तो अगर हम पहले ए प्लस बी को जोड़ लें, उसके बाद उसका रिजल्ट से सी को जोड़े, तो वो उसके बराबर होगा। किसके बराबर? कि पहले हम लोग बी और सी को जोड़े, उसके बाद उसका रिजल्ट से किसको जोड़े, ए का। तो मतलब पहले इन दोनों को जोड़ के फिर बाद में इन दोनों का रिजल्ट को इससे जोड़े, या फिर पहले बाद का दो चीज को जोड़ के अब पहले वाला से ऐड करें, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब आगे आता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसको पहले पहले हम सबसे पहले 11th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी भी फिर थोड़ा सा बतला देते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी नंबर्स में किसको बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी अगर निकालना है, तो कोई भी नंबर पर क्या चीज जोड़ने से उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 एक नंबर है, इसका कोई हमको एडिटिव आइडेंटिटी पूछेगा, तो 3 में क्या चीज जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है, तो 0। तो यही 0 इसका क्या बन जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। उसी तरह मैट्रिक्स में भी, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो ए मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे कि उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 0 मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ए प्लस 0 लिखते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए। और हम यहां पर ये जो 0 मैट्रिक्स है वही मेरा क्या बन जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बात आता है एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कोई भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 3, इस नंबर को में हम क्या चीज जोड़ेंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। मतलब इस पे हम क्या चीज जोड़ेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई नंबर पर क्या चीज को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, उसी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो 3 में क्या चीज जोड़ेंगे, जस्ट इसका नेगेटिव चीज को जोड़ देंगे तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यही जो -3 है सो क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स केस में देखते हैं। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो इस मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ेंगे कि मेरा वैल्यू क्या मिल जाएगा, हमको 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ए में -1, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगा, 0। तो ए का एडिटिव इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा मेरा इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग जितना भी चीज पढ़ रहे हैं उन सबको हम क्वेश्चंस में पूरा अच्छा से डिस्कस करके बतलाएंगे। अभी बस हम क्या बता रहे हैं, हम इन सब चीज का थ्योरी बतला रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास एक आता है डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स, और उसके बाद आता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ताकि डिफरेंस को हम लोग अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट है हम लोग का स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। मतलब अगर हम मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से पूरा पूरा मैट्रिक्स को और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में होता क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में हर एक एलिमेंट जो मैट्रिक्स का होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो गिवेन रियल नंबर है, जो चाहे जो गिवेन स्केलर क्वांटिटी है उससे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, ये 2x2 मैट्रिक्स है, अगर हमको 3a निकालना है, मतलब इस पूरा मैट्रिक्स को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, 3 इनटू ये मैट्रिक्स, उसके बाद इसका हर एक एलिमेंट को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। इसी को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मतलब जो रियल नंबर को मैट्रिक्स से जब गुना करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन केस इसका अंदर का जितना भी एलिमेंट है सबको किससे गुना करेंगे, 3 से। इसी को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का कुछ कुछ रूल्स है जो हमको आगे क्वेश्चंस में थोड़ा सा मदद करेगा, क्वेश्चंस को सॉर्ट करने में। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कब किस लिए यूज करते हैं, ताकि क्वेश्चन में हमको थोड़ा कम टाइम लगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है क्या चीज, एक स्केलर क्वांटिटी, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए के साथ अलग से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी के साथ अलग से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद दोनों का रिजल्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी नंबर 1 है। फिर अगर मेरे पास दो स्केलर क्वांटिटी एडिशन में है, जैसे कि 2+3 इंटू कुछ
टू प्लस थ्री, और उस यहाँ पे है टू प्लस थ्री, उसके साथ कोई एक मैट्रिक्स है, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग लिख कर सकते हैं टू के साथ एक बार पूरा मैट्रिक्स को करेंगे, फिर थ्री के साथ एक बार पूरा मैट्रिक्स को करेंगे, उसके बाद दोनों का रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो प्रॉपर्टी है सो यह है, अगर कोई स्केलर के इंटू स्केलर एल इंटू ए रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो दोनों स्केलर है उन दोनों को पहले प्रोडक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसका जो आंसर आएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है टू इंटू थ्री ए है, ए मैट्रिक्स है, टू एक स्केलर है, थ्री एक स्केलर है, तो हम इसको कर सकते हैं टू इंटू थ्री के साथ ए लिख सकते हैं, मतलब पहले सिक्स कर दोनों को गुना कर लेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सम स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे उसमें एक क्वेश्चंस रहेगा प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए, तो आपके पास क्वेश्चन रहेगा, आपको प्रॉपर्टी मालूम है, तो हम लोग उसका वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को तीन क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जिसमें जितना भी चीज आज मैंने बतलाया है सबका सब कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तब तो हम लोग मूव करते हैं किस पे, क्वेश्चंस में मूव करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक्स का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, तो हम वही वही क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें सारा तरह का टॉपिक्स क्या हो जाए, कवर अप हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, मतलब कि अब हम लोग को जब भी, अभी तुरंत बताएं, जब भी हम लोग को मैट्रिक्स में एक्स वाई वेरिएबल्स सबका अननोन चीज का वैल्यू निकालना होगा, मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट जो अननोन रहेगा वैल्यू निकालना होगा, तो हम किसका यूज करते हैं, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स का। लेकिन इस क्वेश्चन में सब चीज आ जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सबट्रैक्शन भी आएंगे यहाँ पे, और मतलब जितना भी थ्योरी अभी मैंने आप लोगों को दिया सबका सब इसके अंदर में आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए इधर भी एक मैट्रिक्स होना चाहिए और इधर एक मैट्रिक्स होना चाहिए, तो पहले इस पूरा मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिख रहा है, एक मैट्रिक्स है उसको रियल नंबर से गुना करना है, तो मतलब क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या बताएं, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू वन तो कितना हो जाएगा, टू, टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू जीरो जीरो, टू इंटू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, मतलब ये चीज कितना आ गया, फिर प्लस, तो प्लस का प्लस, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, ये तो सिंगल है, वाई जीरो वन और टू इज इक्वल टू फाइव वन सिक्स और एट। अब ये इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। और अभी तुरंत हम लोग देखें एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स से, कि जब ऐड करना होता है दो मैट्रिक्स को, तो उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो टू को किससे ऐड करेंगे, तो टू को ऐड करेंगे वाई से, सिक्स को, सिक्स प्लस जीरो कितना हो जाएगा सिक्स, जीरो प्लस वन वन, 2x प्लस टू तो हो जाएगा 2x प्लस टू, तो ये सिंगल मैट्रिक्स हो गया दोनों का एडिशन का, इज इक्वल टू इधर कितना है मेरे पास 516 है। अब हम लोग को यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका जरूरत पड़ेगा, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स का। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उनका, और दोनों का ऑर्डर भी अगर सेम होता है, तो उनका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल, इसीलिए इक्वेटिंग द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ द टू मैट्रिसेस वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, अगर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वेट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा टू प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, सिक्स इज इक्वल टू सिक्स है तो लिखने का जरूरत नहीं है, वन इज इक्वल टू वन है, और क्या मिलेगा, और एक मिलेगा टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट। तो यहां से हम लोग वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा फाइव माइनस टू विच इज इक्वल टू थ्री, और यहां से टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री, तो इसका मतलब कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू थ्री आएगा, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन मेरा क्या आ गया, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड
y इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग किए क्या, हम लोग को बोला था कि x और y का वैल्यू निकालना। अभी हम जैसे क्लास स्टार्ट किए थे, हम बताए थे आप लोग को कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का जरूरत कब पड़ेगा हम लोग को, जब भी मैट्रिक्स के अंदर कोई अननोन एलिमेंट रहेगा तो उसका अगर वैल्यू निकालना है हमको, तो हम लोग इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स का यूज करेंगे। अब यहाँ डायरेक्टली दो मैट्रिक्स इक्वल में नहीं दिया हुआ था, तो पहले इसको हम सॉल्व किए, तो सबसे पहले स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन किए, फिर दो मैट्रिक्स आया उनको जोड़े, उसके बाद दोनों तरफ जब सिंगल सिंगल मैट्रिक्स आ गया और दोनों का ऑर्डर सेम हुआ, तो हम लोग दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके हम लोग क्या पाए, सॉल्यूशन पाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, और हमको बोला है कि तभी दिया हुआ था कि वेरिएबल का वैल्यू निकालना। अभी हमको क्या निकालना है, पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अगर एक इक्वेशन मेरे पास मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है तो इस केस में देखिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन क्या है, तो वी है, हम लोग के पास क्या है, 2a+3x इज इक्वल टू कितना है, 5b। हमको जब हम जानते थे इक्वेशन सॉल्व करने के समय, जब हम 10th में पढ़ते थे या 11th में, तो जब भी इक्वेशन सॉल्व करना होता था तो वेरिएबल का वैल्यू को एक तरफ रखते थे जिसका वैल्यू निकालना है, और बाकी चीज को दूसरा तरफ रखते थे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 3x, x का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 5b-2a। ठीक, तो पहले अभी इस दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 5b, तो 5 की जगह में 5 लिखेंगे, b की जगह पर क्या है, तो b की जगह में पूरा ये मैट्रिक्स है, तो 2 4 माइनस 2 2 माइनस 5 और 1 और इंटू 2 माइनस 2 इंटू ए। अब ए की जगह में कितना है, 8 0 4 माइनस 2 3 और 6। तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि 5 एक मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट को हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 5 2 10, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -25 और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे -2 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 2 × 8 इज इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा 0, ये 2 के साथ ये 4 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -4। ठीक है, 2 × -2 इक्वल टू -4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब हम लोग को इन दोनों मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करना है। और अभी तक हम आपको डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स नहीं बताए हैं, तो कभी भी अगर हमको दो मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करना होता है तो दो कंडीशन चाहिए, जैसे एडिशन में हम लोग करते थे। क्या क्या चाहिए, कि सबसे पहले दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जब हम लोग को सबट्रैक्ट करना होता है तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, a+-b, मतलब जो b मैट्रिक्स है जिसको माइनस करना है उसको पहले हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके साथ जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जस्ट लाइक दिस, कि a-b परफॉर्म करना है तो हम लोग परफॉर्म कैसा करते हैं, a+-b। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 10-10, 20-10, -25, 5, और इसके साथ हम लोग प्लस करके ये पूरा माइनस को अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि हमको प्लस करना मेरे लिए है, सब्ट्रैक्शन जब करना होता है तो हम लोग प्लस करके अंदर में माइनस को ले जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -16 और ये 0 और ये -8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -12। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 में -16 ऐड करने से -6, -10 में 0 ऐड करने से -10, 20 में 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 10 में 4 माइनस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, इफ -25 में ये करेंगे तो -31, और 5 में अगर 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास -7। मतलब मेरे पास 3x का वैल्यू कितना आया, इतना आया। हमको तो 3x का वैल्यू नहीं निकालना था, हम लोग को वैल्यू कितना का निकालना था, हम लोग को वैल्यू निकालना था x का। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, 3x इज इक्वल टू है -6, -10, 12, 14, -31 और -7। ठीक है, तो यहां से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कितना रहेगा मेरे पास, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा -6, -10, 12, 14,
-31 और -7, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो हो जाएगा -2, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा -10/3, इससे इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना 4, ये इसको इससे करेंगे तो 14/3, इसको इससे करेंगे तो -31/3 और इससे इसको करेंगे तो -7/3। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था, जो मेरे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था उसका वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -2, -10/3, 4 और 14/3, -31/3 और -7/3, ठीक है। तो यही मेरा हुआ क्या चीज, इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या गिवन था, तभी हम लोग निकाल रहे थे वो मैट्रिक्स के अंदर में कोई अननोन था उसका वैल्यू निकाल रहे थे। अभी हम लोग क्या करना है, पूरा पूरा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो हमको एक इक्वेशन दिया हुआ था, तो जैसा हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जिस चीज का वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ रख दिए, बाकी चीज को दूसरी तरफ रख दिए, उसके बाद डायरेक्ट सोल्व करते गए तो मेरा आंसर आ गया। और याद रहे जब भी हम माइनस ऑपरेशन करते हैं तो इस माइनस को अंदर की तरफ ले जाइए, मतलब सब एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको दोनों को हम लोग को ऐड कर देना है, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इक्वेशंस हमको दिया हुआ है, 2x+3y = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और 3x+2y = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब बोला है कि एक्स मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई का वैल्यू बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये जस्ट एक लीनियर इक्वेशन की तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले कभी भी अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते थे तो क्या करना पड़ता था, एलिमिनेशन मेथड में कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता था, ठीक है। तो उसी एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, वी है 2x+3y = 2430, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा क्या है, 3x+2y = 2-1-2 or 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमको x का एलिमिनेट करना है, y का वैल्यू निकालना है शुरू बार में, तो x का हम लोग को कोफिशिएंट को पूरा का पूरा सेम करना होगा, उसके चलते एलसीएम लेते थे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, मतलब दोनों में 6 लाना है हमको। दोनों में 6 लाने के लिए, इसमें 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड यहां पे 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड इक्वेशन 2/2 वी गेट। तो हम लोग क्या पाते हैं, अगर 1 को हम लोग 3 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलेगा, यहां पे मिल जाएगा 3 × 2x+3y = 3 के साथ पूरा मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2, 3, 4 और 0। उसी तरह इधर मेरे पास क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा 2 × 3x+2y = 2 × दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 − 2 − 1 और 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने से मेरे पास क्या आएगा, अब ये क्या किस तरह का है, कोई मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग पढ़े थे अभी तुरंत कि k के साथ अगर a प्लस b होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन में तो हम उसको लिख सकते हैं k के साथ a प्लस k के साथ b, तो यही स्केलर मल्टीप्लीकेशन का यही पे करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 3×2 = 6x + 3×3 = 9y = अब ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन करने जानते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब किसी मैट्रिक्स का किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन जब करना होता है तो सारे एलिमेंट्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×4 = 12 और 3×0 = 0। तो यहाँ पर एक इक्वेशन मेरे पास क्या आया, इक्वेशन नंबर 3 आया। फिर इसको सॉल्व करेंगे फिर से स्केलर मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी के अनुसार, इसको लिख सकते हैं 6x+2×4y = ये हो जाएगा मेरे पास 4 − 4 − 2 और 10, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर हम मान लिए इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग को जिस वेरिएबल को सेम किए हैं उसका कोफिशियंट्स को और दोनों का सेम अगर साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट साइन रहता है तो हम लोग ऐड करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 − 4 कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा
सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई, एलएचएस को एलएचएस से माइनस कर रहे हैं, माइनस ऑफ सिक्स एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स सिक्स ट्वेल्व नाइन जीरो माइनस, क्या चीज से करेंगे इसको, तो जाएगा फोर माइनस फोर माइनस टू और टेन, ठीक है। तब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे अब तभी हम बताए थे कि जब माइनस करते हैं उस समय हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं उसके बाद माइनस करते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं लेकिन उसमें गलती होने का चांसेस ज्यादा है। तो इसको लिखेंगे सिक्स ट्वेल्व नाइन जीरो और यहाँ पे हम लोग माइनस को प्लस बना दिए और माइनस के साथ सबका साइन को अंदर का चेंज कर दिए, तो ये हो गया तो आपका माइनस फोर फोर टू और माइनस टेन, दैट इज छ में चार अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा टू, फिर नाइन प्लस फोर थर्टीन, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, जीरो और माइनस टेन तो माइनस टेन, तो इधर क्या होगा मेरे पास सिक्स एक्स से सिक्स एक्स खत्म हो गया तो नाइन वाई में फोर वाई कितना हो गया फाइव वाई, मतलब फाइव वाई इज इक्वल टू कितना आया इतना आया, तो वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू मेरे पास आएगा वाई इज इक्वल टू वन बाई फाइव इंटू टू थर्टीन फोर्टीन और माइनस टेन विच इज इक्वल टू, फाइव से सबको डिवाइड करते जाना है, ये हो जाएगा टू बाई फाइव, ये हो जाएगा थर्टीन बाई फाइव, ये हो जाएगा फोर्टीन बाई फाइव और ये हो जाएगा माइनस टू, ठीक है। तो वाई का वैल्यू मेरे पास क्या आया इतना आया टू बाई फाइव थर्टीन बाई फाइव फोर्टीन बाई फाइव और माइनस टू। अब इस y का वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा x का वैल्यू मिल जाएगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर वन तो हमको क्या मिलेगा देखिए, टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू वाई के जगह में क्या रखेंगे टू बाई फाइव 13 बाई फाइव 14 बाई फाइव और माइनस टू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना था मेरे पास टू थ्री फोर और जीरो, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 2x प्लस इसको अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब सारे एलिमेंट के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टू 6 बाई फाइव 3 इंटू थ्री 39 by 5, ये हो जाएगा 3 into 14, तो कितना हो जाएगा 42 by 5 और ये हो जाएगा 3 into minus 2 minus 6 is equal to हो जाएगा 2, 4, 3 और 0। अब हम लोग को तभी बताएगा आप लोग को जब मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना होता है तो बाकी चीज को एक तरफ ले जाते हैं और एक उसको एक साइड में रखते हैं, तो 2x is equal to हो जाएगा कितना 2, 3 फोर जीरो में माइनस करना होगा किसको सिक्स बाई फाइव थर्टी नाइन बाई फाइव फोर्टी टू बाई फाइव और माइनस सिक्स, ठीक है। तो जब हम लोग माइनस करते हैं तो एक्चुअली प्लस क्या करना होता है तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज कि टू माइनस सिक्स बाई फाइव यहाँ पे होगा थ्री माइनस थर्टी नाइन बाई फाइव यहाँ पे हो जाएगा फोर माइनस फोर्टी टू बाई फाइव ये हो जाएगा जीरो और पहले से माइनस है तो प्लस सिक्स, ठीक है। तो ये इधर हो जाएगा कितना टू एक्स विच इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो फाइव टू जा टेन, टेन में अगर सिक्स घटाते हैं तो माइनस करते हैं तो कितना आएगा फोर बाई फाइव, तो यहाँ हो जाएगा फोर बाई फाइव, ठीक है। यहाँ पे फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन में ट्वेंटी नाइन करेंगे तो माइनस ट्वेंटी फोर बाई फाइव, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20, तो माइनस 22 बाई 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आया 2x का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसके बाद हम इधर आते हैं, ठीक है। कहीं पे जगह तो बचा हुआ नहीं है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2x था तो ये 2 नीचे की तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 1 बाई 2 से सबको मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा 2 बाई 5, ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व बाई फाइव, ये हो जाएगा माइनस इलेवन बाई फाइव और ये हो जाएगा थ्री। मतलब एक्स का वैल्यू आया मेरे पास कितना और वाई का वैल्यू आया था इतना। मतलब अगर कभी हम लोग को इस तरह का इक्वेशंस मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल एक कोई एक
एक्स या वाई में से किसी को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड सबको मालूम है, ठीक है। तो जस्ट इसी तरह का प्रोसेस करेंगे और हम लोग क्या लाएंगे, आंसर लाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को देखने का ये चीज था कि देखिए मैं तीन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, और तीनों क्वेश्चन में जितना भी कॉन्सेप्ट अभी मैंने आप लोगों को दिया सबका सब कॉन्सेप्ट का यूज था, ठीक है। तो हम लोग को टाइम भी सेव करना है और समझना भी है, तो नॉर्मली स्केलर मल्टीप्लीकेशन बतलाने से अच्छा हम क्वेश्चन में ही उन सबको क्या कर दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आज का जो टॉपिक, खत्म हुआ आज के टॉपिक में। मैंने बतलाया कि ऑपरेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स में। अब कल से जो टॉपिक्स स्टार्ट होंगे सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। एक्चुअली वहीं से एक्चुअल मैट्रिक्स शुरू होता है, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।